सेफ ड्राइव सेफ योर लाइफ, ठंडा हो जाओ, पी के स्प्राइट। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखो भाई मंडे का दिन है और आज से मेरा अब कंटिन्यू वीडियो रहेगा बिकॉज पिछले हफ्ते तो हमारे साथ बहुत तरह की बहुत सारी बातें हो गई थी, इसी कारण से जो है ना कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा था। बट अब स्टिल हम कंटिन्यू वीडियो देंगे आपको और आप भी प्यार सपोर्ट दो, जल्दी से जल्दी 5K कंप्लीट करो। चलो राइड को तो हमने ऑन कर लिया है, टाइम अपडेट 7 बज रहे हैं, पहली राइड कम वेट करते हैं। ये देखो भाई रैपिडो तो कितना भाई 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक में मस्त दे रहा भाई। अब इसको स्किप करता हूँ, छोटी छोटी राइड लूँगा आज। 230 रुपये का इंसेंटिव दे रहा है, 230 रुपये 8 ऑर्डर कंप्लीट करना है। चलो इसी को आज कंप्लीट करते हैं। चलो कोलकाता एयरपोर्ट का मैंने राइड ले लिया, फटाफट से चलते हैं पिक करने। बढ़िया है भाई, मेरे को छोटा छोटा राइड करके आज जो है ना ये 230 वाला इंसेंटिव पूरा करना है। पिकअप डिस्टेंस 530 मीटर। चलो चलते हैं पिक करने। हाँ? ये क्या है? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। चलो एक राइड हो गई कंप्लीट 49 रुपीज़ का और इस पर मिला मुझे कितना 44 रुपीज़। यार इसका काट लिया लगता है भाई। हाँ नहीं, सिर्फ GST ही काटा है। ठीक है चलो, मेरे को प्लेटफॉर्म पे नहीं काट लिया ना, क्योंकि मेरा भाई 11 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। अच्छा देखते हैं भाई। चलो भाई का फाइनली 7:50 पे दूसरी राइड मिली रैपिडो की। रैपिडो राइड ही नहीं दे रहा यार, इतना सिचुएशन ख़राब हो गई रैपिडो की। क्या पहले इतना राइड देता था, आज राइड ही नहीं दे रहा है क्योंकि आज ज़्यादा अमाउंट वो इंसेंटिव दे रहा है ना, इसीलिए शायद लगता है। चलो कोई नहीं, फाइनली मिल चुका है अपने को 670 मीटर, जा रहा पिक करने। चलो ये राइड हो गई कंप्लीट। हट ऑनलाइन दिखा क्यों नहीं रहा? हाँ हो गया डन। और मेरे को एक और राइड आ रखी है, ये देखो आकाश भाई की। चलो इसको ही पिक करते हैं। 950 मीटर, सॉरी 390 मीटर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। चलो गाइस, इस बंदे से मैंने कंफर्म किया तो ये ना कैंसिल कर चुके हैं और राइड, ठीक है, क्योंकि वो बोले कि लेट हो रहा था आने में और दूसरी बात है कि लोकेशन भी हमसे गलत हो गया था, इसी कारण से राइड को हम कैंसिल कर दिए। लेकिन कैंसिल किया रहता है तो भाई मेरे को यहाँ पे क्यों शो हो रहा है ना। चलो अब कैंसिल किया, 5 रुपये मिला मेरे को। एक राइड आई है मेरे को, जाओ जाओ जाओ, एक राइड आ गई गाइस। पता नहीं कहाँ की थी, हमने देखा नहीं क्योंकि जितने भी राइड आ रहे थे ना, मैं जैसे एक्सेप्ट पे बटन पर क्लिक कर रहा हूँ बता रहे हैं किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कौन है भाई दूसरा एक्सेप्ट करने वाला हरामी, जो कि कुछ ही सेकेंडों में, विद इन 2 से 3 सेकेंड में ही राइड पिक कर ले रहे फटाफट से।
पता नहीं भाई साहब कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आ जाते हैं। चलो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ और ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, छोटी सी एकदम मैंने ली है क्योंकि मेरे को छोटी छोटी ही करनी है। चल रहे साले, नहीं जा रहा है, नहीं जाने दे रहे साले का खोपड़ी तोड़ने, खोपड़ी तोड़ साले का। सेवन इधर से निकला है। क्या लग है भाई, अभी एक राइड मेरे को जैसे यहाँ पे ड्रॉप करने वाला था ना मिल गया था, बट वो छोटी सी राइड थी 1 पॉइंट समथिंग का और कैंसिल मार दिया कस्टमर ने। यार बताओ, निकलते निकलते ही कैंसिल मार दिया, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 200 मीटर का डिफरेंस था सिर्फ। और इस राइड का मिला 50 रुपये मिला भाई। चलो नेक्स्ट देखते थे, वो कैंसिल मार दिया, 2 मिनट नहीं रुक सकता, छोटी छोटी राइड था हमारा काम बन जाता। देखो भाई साहब, आप लोग ना मेरे साथ बहुत गलत करते हो, ठीक है, जितनी जानकारी होती है मुझसे लूट लेते हो, फिर बाद में जा कर के मतलब कुछ ऐसा करते हो ना जैसे कि मूड ख़राब हो जाता है भाई। सही बताता हूँ, आप लोग क्या करते हो, देखो पहले सारा कांड कर लेते हो, उसके बाद कोई मिस्टेक होती है देन जा कर के मेरे से पूछते हो, ठीक है, तो ये बहुत गलत करते हो भाई। देखो हम जब भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए तो बनाते हैं, अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। आप 2-3 बंदे ऐसे मैंने देखा है जो कि ओला उबेर की राइड मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद में कुछ उसका नहीं बनता है तब फिर मेरे को पूछते हैं। इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई मैं जो लिंक विंक देता हूँ ना उससे ज्वाइनिंग वाइनिंग किया करो, तब ना तो हेल्प कर पाऊँगा। ऐसी बात नहीं हेल्प नहीं करूँगा, हेल्प करता हूँ, लेकिन भाई ये गलत थोड़ी सी है भाई। देखो और दूसरी बात ये है कि ओला की स्कूटी के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, तो ओला की स्कूटी अभी तक भाई मेरी रिपेयर नहीं हुई है, लगभग 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो चुका है और रायाराट वाले को भी कुछ अपडेट नहीं आया है। देखते हैं आज फिर एक बार कॉल करके पूछेंगे, क्योंकि ऐसे भी स्कूटी मेरे को ज़्यादा दिन रखने नहीं है, लाऊंगा और विद इन 1 वीक बस, टाटा बाय बाय। चलो एक राइड मेरे को आ गई है, अभी जा रहा हूँ पिक करने को, 2.8 किलोमीटर की है। चलो ये ऑनलाइन की पेमेंट थी, हो गई, DLF1 ड्रॉप कर दिया। अब देखते हैं भाई, 1.5 घंटे बचे हैं और 1.5 घंटे में मेरे को 3 राइड करनी है। चलो आधे आधे घंटे के राइड भी मिल जाए ना, काम बन जाएगा अपना। और अभी तक तो अर्निंग भाई बहुत अच्छी खासी हो गई है और बाकी देखते हैं भाई। चलो 4 नंबर भी ले लिया हमने फाइनली, 760 मीटर ड्रॉप है, हाँ पिकअप है और ड्रॉप 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा कैंसिल मार दिया बंदे ने, साले का खोपड़ी तोड़ने, खोपड़ी तोड़ साले का। चलो गाइस 590 मीटर से पार्सल आ गई अपने को, चलो फटाफट से जाके पिक करना और ड्रॉप है 2.5 समथिंग, ठीक है। चलो
69 ऑनलाइन कर दें। हाँ ऑनलाइन कौन जगह तक जावे? सीके मार्केट सीके 101 है। सॉरी पिन बोलो। पिन नंबर 4692 4692 9999 ओके 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 ठीक है ये पार्सल लेके निकल चुका हूँ। कपड़ा और इसमें कुछ बुक्स वगैरह हैं लेके निकल चुका हूँ। और ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 2.3 किलोमीटर की है मात्र। और इसको मैं विद इन 5 मिनट में डिलीवर कर सकता हूँ। बट ये जाम जो है ना, ये गाड़ी वाला नहीं जाने दे रहा है, ये यात्री साथी वाला। ठीक है अब साले जाने दे। हाँ अभी निकल गया मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब पहुँचते हैं फटाफट से, लेकिन रास्ता थोड़ा थोड़ा तो जाम मिलेगा ही। चलो 5 मिनट का दिखा रहा है, बट अपने को 7 से 8 मिनट लग जाएंगे कंप्लीट करने में। लेट्स गो गाइस। और पता नहीं बारिश का क्या मूड हो गया भाई, बारिश होना शुरू हो चुका है। मेरे को 1 घंटा का चांस दे देता ना बारिश, तो बहुत अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगी। बस 1 घंटा बारिश ना हो, वेदर समझ ही रहे हो आप लोग मंडे का दिन कैसा है। चलो गाइस, पार्सल डिलीवर कर लिया। एंड पार्सल डिलीवर करने का 47.6 रुपीज़ मिला, मतलब 2.5 किलोमीटर पकड़ लो गाइस उसका 47, बहुत बढ़िया मिला पार्सल में। चलो अभी मेरे पास 1 घंटा 5 मिनट बचा हुआ है, तो इसमें से भाई मेरे को 2 ऑर्डर करनी है, बाकी हो जाएगी अपने टारगेट कंप्लीट। देखता हूँ हो पाता है या नहीं। चलो सेक्टर 5 के 7 नंबर ऑर्डर आ गए, और ये कैंसिल खाली ना हो तब भाई अपने पास 1 ऑर्डर करना रहेगा। ठीक है, ये सेक्टर 5 मतलब समझ लो 9:30 बजे तक हम अपना कंप्लीट कर देंगे। 9:30 भी नहीं बजेगा, उससे पहले पहले ही हो जाएगा कंप्लीट। बट कैंसिल ना करें खाली, बस ट्रैफिक जाम ना रहे तो बहुत जल्दी कर दूंगा राइड कंप्लीट। तो चलो चलते हैं पिक करने के लिए, 750 मीटर है। इधर से लूँगा, इधर से चलो गए। 10:30 बज गए और हमारा 1 राइड बाकी है। और ये बताओ भाई, बारिश होना शुरू हो गया, हल्की फल्की तो भीग गए हूँ। बाकी चलो निकलते हैं, 1 राइड करनी है अपने को, बस टाटा बाय बाय। चलो फाइनली बारिश भी रुक गई है, मेरे को लगा हो गया आज बनता था। 1 राइड करना है, उसके लिए भाई भगवान जी ये क्या क्या कर रहे हैं। 1 राइड नहीं करने देगा ऐसा लग रहा था, लेकिन चलो अभी 1/2 घंटे है हमारे पास। चलो गाइस, DLF 2 की राइड मिल गई फाइनली मेरे को, यार लास्ट राइड मिल गई। लेकिन ये बारिश तो है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, पूरा गीला करके ही मानेगा भाई। अभी 20% गीला हुआ हूँ यार, 80% रहने दे, अब कल देखना भाई, कल थोड़ी सी गीला कर देना है ना। बात तो सही है। आज एकदम पूरा गीला करने पे ही लगा हुआ है भाई। चलो जाते हैं पिक करने के लिए फटाफट से, 950 मीटर पिकअप है। लेट्स गो गाइस, लास्ट राइड है, मजे से ले जाएंगे उनको।
तो फ्रेंड फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने शॉप पर। एंड भाई बता दूँ कि लास्ट वाले जो राइड था ना उसका मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, बहुत गीला कर दिया बारिश ने भाई पिकअप करते करते ही। ठीक है, हुआ कि इतना तेज़ बारिश होने लगा ना तो फटाफट से मैंने कैमरा वैमरा जितना भी था सब अंदर कर लिया भाई, क्योंकि फ़ोन अगर ख़राब हो गई और अपना ये सब ख़राब हो जाएगा ना कैमरा वगैरह, तो फिर नेक्स्ट टाइम सबको वीडियो भी नहीं मिल पाएगा, है ना। टाइम लग जाएगा, मिलेगा ज़रूर बट थोड़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। और बाय द वे हमारा आज का टारगेट जो था वो सारा हमने अचीव कर लिया, सारा कंप्लीट कर लिया, मज़ा आ गया भाई आज का एकदम। और वो भी क्या, प्लस हमें 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। आज तक जितना भी मैंने इंसेंटिव वाला काम किया है ना उसमें से भाई मेरे को 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ा था, बट आज है ना 10 मिनट पहले ही काम हो गया। बारिश अगर नहीं होती तो 20 मिनट पहले हो जाता, लेकिन बारिश के कारण मैं थोड़ा सा और लेट हो गया। तो चलो अभी अर्निंग अपडेट बता देता हूँ भाई, कितने क्या अर्निंग हमारी हुई है। देखो आज हमें कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिला है किसी भी एप्लीकेशन से, और मैंने सिर्फ रैपिडो ही आज किया है जो कि टारगेट करना था अपना। तो अर्निंग जो हुई है 586 की अर्निंग हुई है, और गाड़ी जो हमने चलाया था ना वो 58 चलाया था, तो ओवरऑल 60 आप पकड़ लो ओवरऑल। ठीक है, तो 120 रुपये का हमारा पेट्रोल चला, तो और इसमें सेविंग जो हमारी हो रही है वो 466 रुपीज़ बस। तो भाई 4 घंटे में 466 कोई ख़राब नहीं है भाई। और जो इंसेंटिव चला रहा था ना रैपिडो, दिल खुश कर दिया। अगर मैं लॉन्ग राइड वगैरह पिक करता तो और भी ज़्यादा पैसे देखने को मिल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता था कि लास्ट वाली जो 80 रुपीज़ वाला इंसेंटिव था ना वो मिस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लॉन्ग नहीं लिया और शॉर्ट में ही करके निकल गया। अगर लॉन्ग लेता तो पैसे और ज़्यादा मिल सकते थे, बट छोटी ही करके इंसेंटिव लेना फ़ायदे वाली बात होती ना हमारे लिए, क्योंकि जितनी लॉन्ग लूँगा गाड़ी भी उतनी ज़्यादा चलेगी, उसके हिसाब से पेट्रोल भी जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन पैसा भी उसके हिसाब से मिलता भाई। और बहुत बढ़िया राइड रही, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई। आज रैपिडो ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया और अच्छा इंसेंटिव भी मिला। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कैंडी यार प्यार एंड सपोर्ट ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ, ठंडा हो जाओ, पी के स्प्राइट।